Congratulations, bro. Thank you. तो गाइस आज मैंने 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे अपने व्लॉग चैनल पे. बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. दिल से मेरा सबको धन्यवाद. मैं चाहता हूँ आपकी डिलीवरी तक आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, डिलीवरी 2-3 दिन के अंदर है. ऐसा कुछ कर दो यार कि तुम्हारे भाई के 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए. 30,000 सब्सक्राइबर पे गौरव भाई के पास गया था. आज आप लोगों के मैं थ्रू, आप लोगों के सपोर्ट प्यार से मैं 40,000 पे आ गया हूँ. जितना आप लोगों ने दिया है उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच. सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग. कैसे हो सारे? आप सबकी गुड मॉर्निंग है और हमारी गुड नाइट है. तो गाइज, आई नो 2-4 दिन से मेरे चैनल पे आपको एक पर्टिकुलर कोई डे रूटीन या कह लो कोई आउटिंग कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, है ना गाइज. इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा. तो फिलहाल भाई अपन गुड़गांव में ही है गाइज, और आज सिब्बू का शूट था. सो गाइज, शूट पे मैं बेसिकली व्लॉग्स बहुत ही रेयर बनाता हूँ. पहले बनाता था, अब मैंने छोड़ दिए क्योंकि मेरा अंदर से दिल नहीं करता. झूठ क्यों बोलूं गाइज, इवन मुझे रचित भी बोलता है बना लिया कर, बट मेरा मन नहीं करता सच में. इसलिए नहीं करता क्योंकि देखो ऑलरेडी सिब्बू का शूट है, तो सिब्बू शूट पे अपना व्लॉग तो बनाएगी, तो उस बिहाफ पे मैं क्या बनाऊं, समझ रहे हो. मैं चाहता हूं कि आप मेरे व्लॉग में कुछ भी देखो, कुछ हटके ही देखो. तो इसलिए गाइज मेरा यही मोटिव रहता है कि अगर सब लोग बना रहे हैं तो आप लोग पूरी डेली की एक्टिविटी उनके व्लॉग्स में देख लो, और मेरे व्लॉग्स में रात में मैं क्या कर रहा हूं वो देख लो. सो गाइज अभी बजे देखो रात के 2, भाई साहब अंधेरा एक नंबर. सो गाइज अभी हम है अपनी टेरेस पे, तो भाई वो देखो क्या मस्त हाईवे लगता है, एक नंबर लाइट है गाइज. भाई साहब एक नंबर, ओह शिट, ये क्या था, चमगादड़ थे गाइस. कोई बात नहीं, लीव इट. पीछे का भी व्यू बहुत प्यारा है गाइस. बात ऐसी है, मैं छत पे आ गया और सब लोग सो चुके हैं घर पे. अच्छा हाँ, आपको मेरे आईज में काजल दिख रहा है ना, कमेंट कर दो विनय भाई की आंखें कैसी लग रही है. दिल से करना जो भी करोगे. हालांकि जब मैं सिब्बू की वीडियो में लास्ट वाली वीडियो में भूत बंगला पार्ट 2 में था, उसमें लोगों ने मेरे को बहुत कमेंट करे थे कि विनय भाई काजल बहुत सूट करता है, काजल लगाओ. बट मैंने कभी लाइफ में नहीं लगाया. बचपन में देखो हर बच्चे को लगता है, वो मुझे भी लगा होगा, बड़े होकर कभी नहीं लगाया. बट मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप काजल लगाओ बढ़िया लगते हो. सो गाइस आज भी मेरा बाबा का सीन था, तो तुम्हारा भाई फुल ऑन रेडी था. तो कोई नहीं गाइस, अभी तुम्हारा भाई छत पे आया, अकेला नहीं आया, अपने साथ एक कहां गया, कहां है शिवम, यार दिख नहीं रहा एक तो. सो गाइस मैं और शिवम तो ऐसे हो गए हैं, रात में ऐसे जागते रहते हैं, है ना शिवम. उल्लू फेल कर रखे हैं हमने, क्योंकि शिवम भी एडिटिंग करता है. और गाइस मैं दिन भर व्लॉग नहीं बनाता, मैं रात में बनाता हूँ, तो इसलिए फिर रात को एडिट करना, फिर मिनी व्लॉग एडिट करना, करते करते हम दोनों को सुबह ही हो जाती है. तो कहीं ना कहीं कह लो हम दोनों भाई आजकल रात में जगते हैं, और सुबह भी हम कितने बजे सोते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, और उठ भी जल्दी जाते हैं. हमारा दोनों का इस समय ना सेम शेड्यूल हो रखा है बिल्कुल. और बता भाई सब ठीक चल रहा है जिंदगी में? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है. मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, इसी बात पे ताली मारो. तो गाइस बंदे ने मारी ताली. अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था. तो गाइस नीचे देख रहे हो जमीन, आज भगवान हम पे तरसे हैं, भगवान ने वो गर्मी भगा दी है. तरसे नहीं है, बरसे हैं. हाँ सॉरी, आज भगवान ने मस्त बरसा दिया गाइस. एक नंबर बारिश हो रही है पिछले 1-2 घंटे से, और हम अपनी बालकनी में बैठ के मस्त इंजॉय कर रहे हैं गाइस. बस पकौड़े नहीं मिले खाने के लिए, लेकिन चाय जरूर मिल गई पीने के लिए. तो गाइस देखो यार बहुत खुश हूँ यार, 1-2 दिन जा रहे हैं बस मेरी गाड़ी की डिलीवरी के लिए. और एक चीज बोलू गाइस, आज मेरे 40K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हुए हैं. मेरे पास आके बोलो, दूर से मत बोलो. कांग्रेचुलेशंस ब्रो. थैंक यू. और 40,000 सब्सक्राइबर. थैंक यू. सो गाइस आज मैंने 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे अपने व्लॉग चैनल पे. बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. दिल से मेरा सबको धन्यवाद. मैं चाहता हूं आपकी डिलीवरी तक आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए. ये मैं भी चाहता हूं. आज मैंने स्टोरी भी लगाई है, तुमने देखी? टाइम नहीं मिला था गाइस. मैंने स्टोरी लगाई आज सबको थैंक यू करते हुए, और सब लोगों से रिक्वेस्ट मांगते हुए कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज गाइस डिलीवरी 2-3 दिन के अंदर है. ऐसा कुछ कर दो यार कि तुम्हारे भाई 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए. वो एक चमत्कार हुआ अगर 50,000 अगर आपने 2-3 दिन में करा दिए, तो एक बहुत बड़ा बूम होगा ना शिवम. मजा आ जाएगा दिल से. आप खुद सोचो गाइस, आई नो मेरी गाड़ी को आते आते 1 महीना लगा है, करीबन मैक्सिमम 1 मंथ लगा है. बट आप ये देखो कि मैं 30,000 सब्सक्राइबर पे गौरव भाई के पास गया था. आज आप लोगों के मैं थ्रू, आप लोगों के सपोर्ट प्यार से मैं 40,000 पे आ गया हूँ. थैंक यू गाइस. गाड़ी लेने के बाद प्लीज ऐसा ही सपोर्ट प्यार बनाए रखना. प्लीज यार 50K करा दो. मैं चाहता हूँ मैं गाड़ी का पर्दा हटाऊँ ना, तो 50K सब्सक्राइबर पे एक अलग ही मजा आएगा गाइस. बाकी जो है सो है, जितना आप लोगों ने दिया है उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच. अच्छा ये तो सारी बातें हो गई, सबको धन्यवाद करने वाली, थैंक यू करने वाली, वो मैंने कर दी. इतना मिक्की माउस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तेरा व्लॉग देखा है बे. है बे एक बात बता, तूने मुझे कुछ नहीं बताया, और तूने सिब्बू को भी नहीं बताया, तूने रचित को भी नहीं बताया. मेरी सबसे बात हो गई है, मैंने सीधा दुनिया में फैला दिया. अब सुन, मानते हैं कि हम लोग साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे के व्लॉग्स नहीं देख पाते, बट ये मत सोचना कि विनय भाई नहीं देखते होंगे. मैं गाइस अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 1/2 घंटे पहले की बात, मैं इसका ना व्लॉग सजेशंस में आ रहा था, मैंने देखा, ओ भाई साहब इसका और बल्लू का अलग ही सीन चल रहा है. हमें पता ही नहीं, मैंने रचित से पूछा, मैंने तेरे को पता है? कह रहा मेरे को भी नहीं पता. क्यों लड़ रहे भाई?
नहीं पता क्योंकि वो आपको झूठ बोल के घर गया था। अच्छा क्या क्या बात हुई है पहले ये बता। चल मैंने सिर्फ तेरे व्लॉग में ये देखा जो आज का मैंने पढ़ा था वो टाइटल, थोड़ा सा मैंने खोला कि कुछ बहस वहस का सीन चल रहा था, धमकी वमकी क्या सीन है ये बता। चल क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? पागल हो गया है वो, बेवकूफ है। किस बात पे लड़ रहे हो? बिड़ गया है। चल बता तो सही क्या बात है। बात पता कितनी सी थी, सब मेरे सुगला सुगला बोलते हैं। हाँ ठीक है, वो तो है, बोल दिया ठीक है ओके। बट मैं क्यों पता मेरे को किस बात से भी चीजें होती है। ऑफिस रूम है वहाँ पे कपड़े रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, वो ऑफिस है यार, वहाँ एडिटिंग रूम है, वहाँ पे गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। वो बंदा अपने गंदे कपड़े वही रखता है, और जब मैं उसे बोलता हूँ कि भाई वहाँ से हटा ले, फिर मेरे को सुगला बोलते हैं, वो बंदा उतने पे भिड़िया। मतलब कांड वो करता है और बदनाम तू होता है भाई। ये तो हमें कुछ पता ही नहीं, ऐसा कुछ चल रहा है मैटर, इसलिए वो घर गया। फिर मैंने थोड़ा सा चिल्ला के बोल दिया, क्योंकि यार मैं हर बार सुनता हूँ, तो मैंने उसे बोल दिया थोड़ा सा कि भाई से यहाँ से यहाँ पे मत रखा कर। मुझे पता क्या बोल रहा है, मुझे कह रहा विनय भाई घर जाना है, शॉपिंग वगैरह करनी है। शॉपिंग तो बहाना था, हट के गया भाई वो मेरे से। तो अभी क्या चल रहा है, कब आएगा कुछ पता है? मुझे नहीं पता भाई, जब मर्जी होगी उसकी तब आएगा वो। गाइस रात के 2 बजने हैं, कॉल करे बल्लू को अभी बोल। नो थैंक्स भाई, आपकी मर्जी, आपको करना हो तो कर सकते हो, बट मैं तो नहीं करूंगा, जो बात हुई है मेरी उससे। उसके बाद यार क्यों लड़ते रहते हो तुम प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मत लड़ो, कुछ नहीं रखा इन सब में। यार इतना अच्छा ग्रुप है हमारा, इतने अच्छे हम यार दोस्त हैं। ये सोचो कि हम, मैं रचित, तुम किसी लड़ाई नहीं बोलेंगे। सुनो तो भाई, सुनो तो साहब जी, मैं रचित सिब्बू तुम दोनों से कितने बड़े हैं, है ना, स्टिल हम लोग कैसे रहते हैं, लाइक वी आर सेम एज ग्रुप, है ना। ऐसे तुम्हें फील नहीं होता होगा कि हम छोटे छोटे हैं, और तुम साथ के होके भी लड़ रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? अरे लड़ नहीं रहे ब्रो, बस कुछ आदत है, अगर इंसान की सुधर जाए तो अच्छा रहता है ना। अच्छा चल मैं तुझे एक चीज समझाऊंगा, अभी तो मैं उसको फोन नहीं कर सकता, रात हो रही है, घर पे होगा, अपनी फैमिली के साथ होगा, सो हो रहा होगा। भाई देख इधर, लड़ाई वड़ाई माफ करो, सुनिए ना कहावत जब स्कूल में थे, लड़ाई वड़ाई माफ करो, आगे गाइस समझ गए। अच्छा चल ठीक है, मैं कल मॉर्निंग में गाइस उसको कॉल करता हूँ, लेट्स सी क्या उसका सीन है, उसको कॉल करके समझाता हूँ। एज अ बड़ा भाई जो मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा करूंगा। तो गाइस अभी हम लोग छत पे आ रखे हैं, मस्त वेदर का एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाकी आप सबको थैंक यू सो मच गाइस, कल भी सिब्बू का शूट है, फिर पूरा दिन हमारा पैक है, शूट पे बिजी रहूंगा। आई डोंट नो गाइस मैं कल क्या व्लॉग बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा एक दो दिन झेल लो यार, कोई नहीं, गाड़ी आने के बाद तुम्हारा भाई रुकने नहीं वाला है, गायब भी हो जाएगा फिर तो। एक से एक नंबर व्लॉग मैंने प्लान कर रखे गाइस अपनी सुपर कार के साथ, एक से एक नंबर। चलो गाइस लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, आज बहुत बिजी थे, अब थक गए हैं, व्लॉग एडिट करके सोएंगे, घर में सब सो चुके हैं और मिक्की जाग रहे हैं, अब बस काम खत्म करके सोते हैं। बाय गाइस, बाकी पूरे दिन की एक्टिविटी देखनी है तो आप देख लेना वो सिब्बू के व्लॉग में, आंटी जी के व्लॉग में, और रचित आज गया हुआ था बाहर अपने किसी काम से। तो गुड नाइट गाइस, बाय अगेन, थैंक यू गाइस फॉर 40 के सब्सक्राइबर्स। गुड मॉर्निंग भाई, क्या मौसम हो रहा है बाहर का यार, एक नंबर मौसम गाइस। ये भाई एडिट कर रहा हूँ अभी गाइस, रात में एडिट करते करते सो गया था यार, सुबह 6 बज गए थे, कंप्लीट एडिटिंग नहीं कर पाया था, बहुत गहरी नींद में रखा था। तो अब चलो बची भी एडिटिंग कंप्लीट करते हैं और तैयार होते हैं, शूट स्टार्ट करते हैं। रात में काजल दिख रहा था क्या? अभी गाइस दोबारा काजल लगा रहा है, भर भर के सीन है ना वीडियो में, आज भी सिब्बू का शूट है। तो चलो गाइस उठता हूँ, अब नाश्ता वास्ता करता हूँ, व्लॉग अपलोड करता हूँ और तैयार होता हूँ। बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा, दिखा देता हूँ। चलो ये देखो गाइस सुबह सुबह का मौसम यार, मस्त हो रखा है भाई एकदम, आज भी बारिश आएगी बढ़िया। ये हमारे गार्ड साहब ये रहे, और वो मूसो वाले अंकल जा रहे हैं, वो खड़ी अपनी लाडो, पूरी संतरा, पूरी एक्सयूवी लास्ट में, और टिगोर कांगई ये रही नीचे टिगोर।